नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है कुछ इस वक्त की बड़ी खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। वहीं विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक दोपहर 12 बजे से विधान भवन में होगी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, भाजपा सरकार के सहयोगी दल और विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कर विधानसभा सत्र संचालन का एजेंडा भी तय किया जाएगा। विधानमंडल सत्र 28 नवंबर से शुरू हो रहा है, इसके साथ ही विधानमंडल सत्र मंगलवार से प्रस्तावित है। तो विधानमंडल सत्र मंगलवार से प्रस्तावित होगा। बता दें कि विधानमंडल सत्र 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है। आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में आज एक सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें तमाम नेता और मंत्री इसमें शामिल होंगे और रणनीति आगे की तय की जाएगी। तो इसमें बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, भाजपा सरकार के सहयोगी दल और विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कर विधानसभा सत्र संचालन का एजेंडा भी तय किया जाएगा और तमाम तरह की रणनीति भी बनाई जाएगी। विधानमंडल सत्र 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, तो इसके पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम लोग शामिल होंगे। तो बता दें कि विधानसभा की जो बैठक होगी, विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है कल से। 28 नवंबर से विधानसभा सत्र की आगाज होगी, शीतकालीन सत्र का आगाज होगा 28 नवंबर से। और आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें आज तमाम तरह के एजेंडों पर बातचीत की जाएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र आगामी 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक दोपहर 12:30 बजे से विधान भवन में होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, भाजपा सरकार के सहयोगी दल और विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक कर विधानसभा सत्र संचालन का एजेंडा भी तय किया जाएगा। विधानमंडल सत्र 28 नवंबर से शुरू हो रहा है, इसके साथ ही विधानमंडल सत्र मंगलवार से प्रस्तावित है। आज काशी में देव दीपावली मनाई जा रही है। लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये पर्व हिंदू धर्म में दिवाली पर्व के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन स्वर्ग लोक से देवता काशी की धरती पर पधारते हैं और उन्होंने त्रिपुरासुर राक्षस के वध की खुशी में काशी के गंगा नदी के तट के किनारे दीप प्रज्वलित किए थे। ये पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। देव दीपावली को दिन गंगा जल से स्नान करने के बाद भगवान शिव की विधि विधान से पूजा और अर्चना की जाती है। इसके अलावा देव दीपावली के दिन शिव मंदिर में दीप जलाना भी खूब लाभ देता है। बता दें कि काशी के घाटों पर देव दीपावली पर 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसी के साथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। योगी सरकार 12 लाख दियों से घाटों को रोशन करेगी। कार्यक्रम में 70 देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। इसके अलावा 150 विदेशी डेलीगेट्स भी शामिल होंगे। ये अलौकिक नजारा सभी मेहमान देखेंगे। सीएम योगी भी मेहमानों की अगुवाई करेंगे और ध्वजाश्वमेध घाट पर महाआरती होगी। सीएम योगी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज काशी में रहेंगे। संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देव दीपावली पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, आज लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। लेकर स्नान का जो एक चारों तरफ जो चल रहा है, इसके दिन जो है खास देव दीपावली भी के रूप में मनाया भी जाता है और जाना भी जाता है। इसी के साथ चलते हुए जो है आज हम सीताकुंड घाट के गोमती नदी के तट के किनारे, जहाँ पर अनेकों कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, इसके साथ ही साथ जो है जो भी स्नान का होता त्योहार वो मनाया जाता है। इसके अलावा जो है
आने वाला नहावन का भी कार्य जो शुरू हो रहा है वो भी इसी स्थान पे ही होता है। यहाँ से भी काफी संख्याओं की भीड़ उमड़ी जो है देखने मिलती है, और साथ ही साथ जो भी त्योहार होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, पहली बात तो यह है प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था भी कर ली जाती है और तमाम तरीके जो है कार्यक्रम को संपन्न कराने में भी लग जाते हैं। जी देखिए, जगह जगह मेले लगाए जाते हैं, तो आपने जिस तरीके से प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, पूरी जो है घाट पे प्रशासन की तैयारी तो रहती है, लेकिन कोई ना कोई जो है उपद्रव ना रहा है या कोई अफवाह ना रहे, इस सब को जो है ध्यान पे रखते हुए तमाम तरीके जो है कार्यक्रम या त्योहार को जो है संपन्न भी कराया जाता है। एक बार हम आपको यहाँ का एक बार वो नजारा दिखा रहे जी, जिस तरह यहाँ पे घाटों का जो है रौनक देखने मिल रही है, तमाम तरीके जो है घाटों पे जो है नहावन का कार्यक्रम भी चल रहा है और शांतिपूर्वक एक के साथ जो कार्यक्रम जो मनाया जाता है वो होता है, और नहावन का एक होता है विशेष जो त्योहार होता है उसकी कोई आस्था और लगाव भी है, आस्था लगाव के साथ लोग इस पर्व को जो है मनाते हैं। वहां पहुंचना कितनी भीड़ देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, लगभग जो है जिस तरह यहाँ की भीड़ देखने मिल रही है, ये हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ देखने मिलती है, लेकिन फिलहाल जिस तरह जो है लोगों को आना जाना लगा रहता है, कोई सुबह 6 बजे से, कोई 7 बजे से, कोई 8 बजे से लोग यहाँ पे नहावन पे तैयारी भी जुट जाता है, इसके साथ ही जो है लगातार जो है चलता रहता है। हमारे बीच में एक ऐसे पंडित जी पुजारी हैं, हम उनसे एक बार चर्चा करेंगे नहावन का क्या है पूरा उद्देश्य और क्यों मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण दिन एक हफ्ते के लिए होता है साल में, वो देव दीपावली। आज देव दीपावली के अवसर पर एक हफ्ते का देव दीपावली के कार्यक्रम को मनाया जाता है, और उसी अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा भी है। कार्तिक पूर्णिमा में हम लोग ये है भगवान से प्रार्थना करता हूँ और सूर्य भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, जो हमारी साल भर के दिन अच्छा तरीका से पार हो जाए। और दूसरा बात, अपने परिवार में जो अपने वंशज हैं उसके रक्षा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सूर्य देवता का पूजा भी होते हैं, और विशेष करके जिस स्थान पर हम खड़ा हूँ वो है तीर्थस्थल, उसमें सबसे बड़ा विशेषता है इसी तीर्थस्थल में देव दीपावली के कार्यक्रम कार्तिक पूर्णिमा हम लोग मनाता हूँ। देखिए ये कौन सा स्थान है, क्या यहाँ की आस्था लगाओ जो यहाँ के लोग काफी उम्मीद भी होती है? ये सीताकुंड घाट है, आज सीताकुंड का एक बहुत बड़ा महत्व है कि इसी देव दीपावली में भगवान राम इसी घाट पर आए थे, यहाँ पर पूजा पाठ किया, क्योंकि वो वन यात्रा में उस समय जा रहे थे, और इसीलिए अपना तीर्थस्थल का ज्यादा वो है महत्वपूर्ण है। देखिए जिस तरह इनका यह कहना था भगवान श्री राम का जो भी यहाँ पे कार्य होता था और जो पहले जमाने में लोग करते हुए चले आए थे, वो उसी को जो है परंपरा को निभाते हुए यहाँ पे जो है एक धार्मिक कार्यक्रम त्योहार बहुत ही बेहद खास तरीके से होता है, उसके साथ जो है जो भी नहावन का कार्य होता है या और भी कार्यक्रम जो आते हैं वो यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे ढंग से लोग मनाते हैं। देखिए आशुतोष, काशी में तो नए रिकॉर्ड बनाने जा रहे इस देव दीपावली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां शामिल हो रहे, तो कितना खास ये देव दीपावली इस बार का माना जाए? देखिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं ये सुल्तानपुर के करीब में हमारा पड़ता है अयोध्या, अयोध्या के बीच में जो है जो वहाँ पे रामलला का मंदिर है वहाँ पे सबसे ज्यादा बेहद खास देखने मिलता है, लेकिन वहाँ की परंपरा के अनुसार जो है अब धीरे धीरे जो है सुल्तानपुर में भी रौनक देखने मिलती है। जो भी देव दीपावली का त्योहार होता है कहीं ना कहीं जो है हजारों की संख्या या सैकड़ों की संख्या में जो है वहां पे दिए जला के जो है देव दीपावली का मनाया जाता है, लेकिन इसका कार्यक्रम जो देखने मिलता है वो शाम को देखने मिलता है, लेकिन कुछ जगहों पे होता है, कुछ जगहों पे उतना खास नहीं रहता, जिसका पुराना आस्था जो लगाव होता है वहीं पे जो है इस तरह की कार्यक्रम को जो है ज्यादा देखने मिलता है।
जी आपने बताया कि दिवाली का ही इस दिन बड़ा महत्व होता है, दिए जलाए जाते हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं और क्या लगता है कितनी संख्या में सुल्तानपुर में दिए जलाए जाएंगे वहां पर? जी देखिए, अभी तो पिछले साल जैसे एक बार हुआ था देव दीपावली जिसे मनाया गया था, लगभग जो है यही स्थान था, वो इसी स्थान पे जो है लगभग मेरे ख्याल से जो है 5000 की संख्या में जो है लोग यहाँ पे दिया जलाए थे। लेकिन अयोध्या का मंदिर निर्माण का भी वहाँ पे जब कार्यक्रम वहाँ चल रहा था, उसी कार्यक्रम के दौरान यहाँ पे भी इस तरह की जो है कार्यक्रम को रखा गया था और काफी संख्याओं में जो है मिलकर जो है यहाँ पे दिया रोशनी जलाना और तमाम तरह के कार्यक्रम को निभाना, वो वाकई बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन इस बार क्या खास है, वो जनता जिस अपने परंपरा को निभाते हैं, परंपरा को निभाने के साथ जो है दिया का उत्सव मनाते हैं, और वो वाकई बेहद खास होता है और अच्छा भी लगता है देखने में। जी देखिए, उसकी कोई तुलना नहीं है जिस हिसाब से होता है। पूजा की जाती है और आज लास्ट दिन है उसका, लोग स्नान कर रहे हैं। मेले की अगर बात करें तो क्या कुछ और तैयारियां देखने को मिल रही है मेले में? एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे यहाँ पे पूरी तैयारी रहती है, जिससे यहाँ पे गंगा स्नान रहता है, लोग आ रहे हैं स्नान कर रहे हैं और जो यहाँ पे भिक्षा मांगने वाले हैं, जो भी यहाँ पे ब्राह्मण बैठे हैं उनको एक दान पुण्य का भी काम दिया जा रहा है, जो भी कोई सुख संकट जो घड़ी होती है वो सब दूर होते हैं। इस तरह से काम करने से, इस तरह से कार्य करने से उन लोग के घर में भी शांति बनी रहती है, कोई ना कोई जो है धार्मिक कार्य जो है करने से लोगों की आस्था लगाओ उनकी पूरी भी होती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष। नए रिकॉर्ड की तैयारी भी की जा रही है, 70 देशों से प्रतिनिधि वहां पर शामिल होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर शामिल होंगे, तमाम तरह की तैयारियां की गई है काशी में और अलग अलग जगहों से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। गंगा आरती होगी, काशी की बात करें तो अभी सुल्तानपुर से आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर मेले का आयोजन किया गया है और सुबह से जो भक्त हैं वो लगातार लाखों की संख्या में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा स्नान का एक बहुत ही महत्व माना जाता है इस दिन। तो बता दें कि देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। ये वाराणसी से आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रयागराज से, जहां पर महिलाएं पूजा पाठ कर रही हैं, लोग गंगा स्नान कर रहे हैं वाराणसी में, और काशी में देव दीपावली की आज धूम देखने को मिलेगी, लेजर शो है, तमाम तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं जो आज काशी में देखेंगे हम लोग, और नए रिकॉर्ड भी आज काशी बनाने जा रही है दियो को लेकर। तो देश भर में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये वाराणसी की आप तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप प्रयागराज से देख रहे हैं, जहां पर सुबह से ही भक्त आज गंगा स्नान करें। गंगा स्नान का आज के दिन का बड़ा ही महत्व होता है, दान पुण्य का बड़ा लाभ मिलता है, दान पुण्य आज के दिन किया जाता है, तो सुबह से ही लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऐसे तमाम तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तुलसी पूजा की जाती है और एक महीने से लगातार तुलसी पूजा के बाद आज का दिन होता है, जो लोग गंगा में स्नान करते हैं, इसके बाद कहा जाता है कि दान पुण्य करते हैं, जो कि बड़ा ही महत्व होता है उसका। संवाददाता आशीष भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा को लेकर? जैसे आज कार्तिक पूर्णिमा का आज बात करें तो जिस तरीके से एक महीने से चल रहा कार्तिक मास का आज आखिरी दिन है और आज देव दीपावली भी है। आज के दिन माना जाता है कि सभी देवता स्वर्ग से आते हैं और यहाँ पे वास करते हैं। और मैं बता दूं, इसमें प्रयागराज के हम बलुआ घाट यमुना तट पे स्थित है, हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालु की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना हो गया है, यहाँ पे स्नान ध्यान कर रहे हैं। और बात करें जिस तरीके से आज के दिन की, ये भी मान्यता है कि जो आज के दिन यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, जिस तरीके से दान पुण्य करते हैं, तो उनको विशेष फल की प्राप्ति मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं दीप भी जला रहे हैं। देखिए, आज की मान्यता ये भी है कि जो भी आज के दिन दीप जलाता है, दीप दान करता है या तुलसी पर दीप जलाता है, तो उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं कई तरीके की देख सकती हैं, यहाँ 51 दीपों को जलाकर वो यहाँ पे उनको दान किया जा रहा है, तो कई तरीके की मान्यता होती है। और यहाँ पे जिस तरीके से देख सकते हैं अब काफी भीड़ देख रही घाटों पे। और आज के दिन देखिए बात करें तो आज तमाम यहाँ पे वो आयोजन भी किया गया है, यहाँ पे प्रशासन की तरफ से भी खासा आयोजन किया गया है, लगभग 4 लाख दीप दान करे जाएंगे।
जाएंगे, घाटों को सजाया जाएगा और तमाम सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए जाएंगे। और सुबह से देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से भव्य नजारा है, यहाँ पे घाट को सजाया गया है, आपको देख सकते हैं यहाँ लाइट से काफी सजाया गया है। और बात करें तो आज के दिन कि जिस तरीके से आज की मान्यता है, आज के दिन कोई भी स्नान करता है तो ये माना जाता है कि जो एक महीने स्नान नहीं करता तो उसको पुण्य की आज की पुण्य की प्राप्ति आज के दिन अगर स्नान करने तो पूरी मिलती है। जी, इतिहास बनाने की तैयारी चल रही है आशीष, क्या कुछ और तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए बात करें जिस तरीके से आज के दिन का काफी खास महत्व माना जाता है, आज के दिन से ही बात करें तो प्रयागराज धार्मिक स्थल है और विश्व भर में इसके प्रयागराज की मान्यता है, ये धार्मिक स्थल कहा जाता है और यहाँ पे कोई भी धार्मिक आयोजन करते तो बड़े दिव्य तरीके से किया जाता है जिसकी तस्वीरें देश ही नहीं विदेशों तक में देखी जा सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं घाटों पर किस तरीके से पूजा अर्चना चल रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीर्थ पुरोहित भी, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आज का कितना महत्व कितना नहीं महत्व है, हम उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से महिलाएं भजन कीर्तन कर रही है, यहाँ पे पुरोहित जी हैं, हम इनसे बात करेंगे दो मिनट के लिए। तो जी जिस तरीके से आज के दिन की क्या मान्यता है, आज क्या क्या करेंगे? आज के दिन क्या मान्यता है कि आज के ही दिन शिव के जो अभी प्रिय पुत्र थे कार्तिकेय भगवान, उन्हीं ने जब उन्होंने दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया, पलायन किया, तब से कार्तिक मास का विशेष महत्व और माँ यमुना का विशेष महत्व रहता है। आज के दिन दीप दान का कितना महत्व है, यहाँ पे तुलसी जी पे दीप जलाने का कितना महत्व है? साल भर में एक ही मास ऐसा रहता है जिसमें दीप दान का महत्व होता है, आंवले का महत्व रहता है, आंवला दान देने से 1000 गौ दान देने का फल प्राप्त होता है और यमुना जी का महत्व सिर्फ एक महीने का रहता है और 12 महीने गंगा जी का महत्व रहता है। प्रयाग में या जो बलुआ घाट है, अति प्राचीन घाट है प्रयाग का और यमुना जी का घाट है, यहाँ पे हजारों की तादाद प्रतिदिन पब्लिक स्नान करती है और माँ का पूजन करती है, पूजन के साथ साथ स्नान इत्यादि करके अपने मोक्ष और गति की कामना करती है। जिस तरीके से यहाँ पर 11 महीने तक गंगा स्नान, एक महीने यमुना मैया का स्नान किया जाता है जिसका पुण्य की प्राप्ति होती है और खास तौर पे आंवले के दिन आज आंवला जो दान करता है उसको 1000 गाय का फल की प्राप्ति होती है। और आज के दिन खास तौर पर देख सकते हैं यहाँ पे और भी हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे जिस तरीके से माताएं बैठी हैं, यहाँ पे देखिए कीर्तन करते नजर आ रही हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप यहाँ पे आए हैं स्नान करने, आज के दिन का कितना महत्व है जी? यहाँ पे कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। माता जी आज यहाँ पे आप आए स्नान करने आई हैं क्या? तो जिस तरीके से रिव्यू आपको बता दें, यहाँ पे सभी जो श्रद्धालु हैं उनकी साफ तौर पर यही है कि माता से आज स्नान ध्यान और पूजन अर्चन करने के बाद यही मनोकामना का है, धर्म सुख समृद्धि और सभी सुख शांति बने रहे, देश में खुशहाली बनी रहे। और देखिए यहाँ बात करें जिस तरीके सुरक्षा की, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम करे गए हैं, घाटों पे डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस के इंतजाम करे गए हैं। यहाँ पे बात करें तो घाटों पे साफ सफाई की जो बात करें तो उसको भी ध्यान में रखा गया है कि किसी तरीके से पॉलीथीन का प्रयोग ना हो, तो ये सब भी ध्यान से इसको रखा गया है। जी जाता है आज के दिन, तो मेले को आयोजन को लेकर क्या कुछ और तैयारियां देखने को मिल रही है, किस तरीके से खास आज के दिन को बनाया जाएगा? जी मैम, जी आवाज पहुंच रही है क्या आशीष? जी बताइए। जी देखिए आज के दिन मेले का भी आयोजन किया जाता है, तो क्या कुछ उसको लेकर तैयारियां देखने को मिल रही है? जैसे मेले का आज के दिन के साथ साथ ये एक महीने का पूरा ये मेला रहता है, हम बात बता दें आज इसका समापन है और आज के दिन देखिए खास तरीके के इंतजाम करे गए, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम करे गए हैं जिसमें देश के कई ऐसे दिग्गज जो कलाकार हैं वो आएंगे। आज प्रशासन की तरफ से कई प्रोग्राम रखे गए हैं जो संध्या की वेला में आज वो प्रोग्राम होंगे, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, क्योंकि ऐसे जो प्रोग्राम रखे जा रहे हैं वो युवाओं को भी जोड़ने के लिए है कि जो हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसको भी दिखाना है। तो इस तरीके से कई आयोजन किए गए हैं,
दीपदान का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 4 लाख दियों से पूरे घाट को सजाया जाएगा। और देखिए आज के दिन बात किया जाए तो चाहे घर हो चाहे चौराहे हो, हर तरफ से ये एक आह्वान भी किया गया है, जो चाहे घर हो चाहे चौराहा हो चाहे जहाँ पे भी हो, आज दीपों से उसको जगमगाया जाएगा। पूरे बात करें तो पूरे शहर को आज दीपों से जगमगाया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज काशी में देव दीपावली मनाई जा रही है, लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। प्रयागराज से अभी आप तस्वीर देख रहे थे, जहां पर भारी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे हुए थे, दीपदान कर रहे थे, दिए जला रहे थे, दाने पुण्य कर रहे थे और सुबह से स्नान कर रहे हैं। स्नान का बड़ा महत्व होता है आज के दिन। कार्तिक पूर्णिमा पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये पर्व हिंदू धर्म में दीपावली के पर्व के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन स्वर्गलोक से कहा जाता है कि देवता काशी की धरती पर पधारते हैं और उन्होंने त्रिपुरासुर राक्षस के वध की खुशी में काशी के गंगा नदी के तट पर किनारे दीप प्रज्वलित किए थे, जिसको आज तक इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। देव दीपावली को गंगा जल से स्नान करने के बाद अब भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा देव दीपावली के दिन शिव मंदिर में दीप जलाना भी खूब लाभ देता है। बता दें कि काशी के घाटों पर देव दीपावली पर 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसी के साथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनने की तैयारी चल रही है आज। तो योगी सरकार 12 लाख दियों से घाटों को रोशन करेगी, आज नए रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। देव दीपावली के दिन भी नए रिकॉर्ड की तैयारी की जा रही है। तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं आज काशी में। तो काशी में बड़ी देव दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। बताया जैसा कि हमने पहले भी कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं और देश विदेश से यहां आज मेहमान आने वाले हैं। तमाम मेहमान जो आज काशी की भव्यता को देखेंगे, भव्य दर्शन करेंगे, चाहे वो महाआरती हो चाहे वो घाटों पर दिए हों, और ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनाने की तैयारी भी चल रही है। बता दें कि कार्यक्रम में 70 देशों के राजदूत शामिल होंगे। इसके अलावा 150 विदेशी डेलीगेट्स भी इसमें शामिल होंगे। संवाददाता दीपक कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानपुर में क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है दीपक? और आज के दिन जो है देखते हुए महिलाएं जो है आज जो है पुलिस प्रशासन वाहन पहले से पैदल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 70 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, डेलीगेट्स भी शामिल हो रहे हैं। यह अलौकिक नजारा सभी मेहमान देखेंगे। तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, धार्मिक कार्यक्रम रखे गए हैं, लेजर शो, तमाम ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं जो आज काशी को भव्य बनाएगा। अभी के लिए इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।